नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 6 जनवरी शुक्रवार शाम का बुलेटिन। आइए देखते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मकर संक्रांति से पहले चाइना डोर बेचने वालों के साथ ही चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को महाकाल पुलिस ने घरों की छतों को चेक किया और चाइना डोर की जांच की। एक जगह चाइना डोर से पतंग उड़ा रहे युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महाकाल थाने के तोपखाना, गुदरी चौराहा, बेगम बाग, हरसिद्धि मंदिर क्षेत्र, जयसिंहपुरा क्षेत्र में पुलिस ने चाइना डोर से पतंग उड़ाने वाली खबर में छतों पर जाकर जांच की। जयसिंहपुरा क्षेत्र में माली मंदिर के पीछे 23 साल के राहुल पिता कनी राम बंजारा को चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते पकड़ा गया। उसके खिलाफ धारा 188 में कार्रवाई की गई है। इस संबंध में सब इंस्पेक्टर जयंत डामोर ने बताया, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी चाइना डोर पतंग उड़ा रहे हैं, जो मांझा आता उससे उड़ा रहे हैं, उनको घर जाके चेक करना है। यदि कोई पाया जाता है तो उनको थाने ले जाना, उनके खिलाफ 188 का प्रकरण करना है। तो हम टीम सहित चेकिंग करने निकले थे। अभी तक हमने 15 जगहों पे चेक करा है और एक जयसिंहपुरा माली मंदिर के पीछे हमको चाइना डोर उड़ाते हुए मिला है। इसको थाने ले जाके उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। उन्हें यह समझाई दी जा रही है कि आपको उड़ाना है तो जो दूसरी डोर आती है उससे उड़ाएँ, चाइना डोर माझा से पतंग ना उड़ाएँ। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हरी फाटक ब्रिज के आसपास का एरिया है, बेगम्बा कॉलोनी है। मैक्सिमम क्या होता है, ब्रिज के वहीं पर जाके डोर अटकती है और उससे हादसे होते हैं, इसलिए आसपास के एरिया को हम प्राथमिकता लेके उस पर ज़्यादा जाँच कर रहे हैं। इधर वाहवाही लूटने के चक्कर में पुलिस बेगुनाह लोगों को भी फंसाने में लगी है। ऐसा एक मामला बहादुरगंज सब्जी मंडी के पास का सामने आया है। शुभम नामक बच्चे ने पतंग लूटी तो उसके साथ चाइना डोर भी मिली। शुभम सब्जी मंडी के छत से पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान अचानक पुलिस वाले आए और शुभम के मामा गोपाल को पकड़ लिया। गोपाल को दबोचने वाले पुलिसकर्मी अंकित यादव ने अपनी गाड़ी में रखा चाइना डोर का गट्टा निकाला और गोपाल को थमाकर केस बना दिया। कोतवाली थाने के पुलिस कर्मियों की इस करतूत को खुद शुभम की जुबानी सुनिए। क्या हुआ बेटा, क्या कर रहा था तू? कहाँ पे? मंडी पे। मंडी छत पर उड़ा रहा था अपनी। तो क्या हुआ बेटा जब तू पतंग उड़ा रहा था? तो अच्छा, तो गाड़ी में से निकाला था। अच्छा, तो उनने पुलिस वालों ने क्या करा कि गाड़ी में से कट्टा निकाला और तेरे को, और किसको पकड़ के ले गए? तेरे को पकड़ा पहले, फिर मामा। तेरे मामा को, क्या नाम है तेरे मामा का? गोपाल। तो पुलिस उसको पकड़ के ले गई फिर? अच्छा, फिर तूने क्या करा बेटा? तूने कुछ बोला उनको? नहीं बोल पाया, ठीक। क्या गट्टा किसने निकाल के दिया था? वो पुलिस वालों ने निकाला था। अच्छा, काय में से निकाला पुलिस वालों ने? गाड़ी में से। अच्छा, उन किसकी गाड़ी थी वो? पुलिस वालों की गाड़ी थी। और फिर तेरे किसके हाथ में रखा फिर वो कुट्टा उनने? गोपाल मामा के। बहरहाल पुलिस अपनी जान बचाने के लिए बेगुनाहों को भी शिकार बना रही है। ऐसी प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है। शुक्रवार को दताना बताना हवाई पट्टी पर लोगों ने रोमांच का मजा लिया। लोगों ने आसमान से जमीन पर छलांग लगाई और फिर हवा में ही उड़ान भी भरी। दरअसल मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने 10 दिनी स्काई डाइविंग का आयोजन दताना मताना हवाई पट्टी पर किया है। इसका आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। महापौर मुकेश टटवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने में स्काई डाइविंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमारे उज्जैन के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश में दूसरा स्थान है जहाँ पर हमारे उज्जैन में आज कर रहे हैं और अभी तक इनके पास 20 लोगों की एंट्री भी हो चुकी है और वो लोग कर रहे हैं और इसका हम भी देख रहे हैं। इस अवसर पर आने वाले समय में हम चाहेंगे कि इसकी गतिविधि और ज़्यादा बढ़े, अधिक से अधिक लोग हमारे उज्जैन में आए और हम नगर पालिका निगम की तरफ से, मध्य शासन की तरफ से जो भी पूर्व सहयोग इनको हम कर ही रहे और जो भी इनको सहयोग लगेगा वो करेंगे। इंस्टाग्राम पर स्काई डाइविंग की सूचना मिलने के बाद उज्जैन आई इंदिरा शर्मा ने अपने रोमांच का वर्णन कुछ इस तरह किया। स्काई डाइविंग के लिए ही आई हूँ। स्काई हाई की मुझे अभी इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला और इसी के लिए आई हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी मिला, बहुत ज़्यादा डर भी था, लेकिन अभी करके आई हूँ तो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा एंड बहुत मज़ा आया। एवरी वन आई थिंक एक बार लाइफ में एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए सबको। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उप संचालक युवराज पटोले ने बताया, और
आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ उज्जैन में ये स्काई डाइविंग का जो हमारा एडवेंचर प्रोग्राम है वो उसका सेकेंड एडिशन आज शुरू हो रहा है। और पिछले साल भी ये हमने यहाँ पे किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पिछली बार भोपाल में और उज्जैन में दोनों जगह हुआ था, इस बार सिर्फ उज्जैन में ये कर रहे हैं और लंबे समय तक के लिए कर रहे हैं। आज शुरू होके ये 16 तारीख तक चलेगा और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से फिर से आया है। करीब 20 से ज़्यादा बुकिंग्स तो इनके पास अभी आ चुकी हैं, लेकिन ये है कि मौसम का मिजाज देख के, थोड़ा क्लाइमेट कंडीशंस देख के ही ये गतिविधियाँ होती हैं। तो अगर आज जैसे खुला है, बहुत अच्छा है, तो आज हो रही है, ऐसे ही करते रहेंगे। बहरहाल स्काई डाइविंग का लोगों ने खूब मजा लिया। आनंद के इस मजे को मौसम ने दोगुना कर दिया। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग एवं व्यापम, आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री मेंस इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, एसी क्लासरूम उत्तम फर्नीचर के साथ, 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, एसएसबी इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी एसएससी, पटवारी, बैंकिंग, विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। पेंशनर्स ने प्रशासनिक संकुल में शुक्रवार को मुख्यमंत्री को होशियार रहने की चेतावनी दी। जमकर नारेबाजी करते हुए पेंशनर्स को देखकर एक पल के लिए लोग थम गए। दरअसल पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशनर्स कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। इसमें सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर से लेकर कमिश्नर जैसे अधिकारी भी शामिल थे। पेंशनर्स में निरंतर उपेक्षा किए जाने से गहरा असंतोष है और तंग हाली का जीवन जी रहे हैं। SDM वीरेंद्र सिंह दांगी को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने अपनी मांगे CM शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाने की मांग की है। पेंशनर्स ने केंद्र के समान 38% महंगाई भत्ता देने, 7वें वेतनमान के 27 महीने के एरियर का भुगतान करने, पेंशनर्स का नाम भी आयुष्मान योजना और पेंशन बीमा योजना में जोड़ने, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्निर्माण अधिनियम 49 को अविलंब विलोपित करने, 80 साल की उम्र पूरी करने वाले पेंशनर्स की पेंशन में 20% की वृद्धि करने की मांग की गई है। सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर नरेंद्र सिंह राठौर ने बताया। कार्यक्रम में जो हमारा जो मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन है उसके आह्वान पर उज्जैन जिला पेंशनर संघ की शाखा के द्वारा अभी सुबह से यहाँ पे धरना दिया गया था और एक मांग पत्र तैयार किया गया है जिसको कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को भेजा है। हाँ, उन लोगों ने कहा कि आपकी जो न्यायोचित मांगे हैं वो हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को भिजवाएंगे और उन्होंने आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश शासन आपकी जो भी मांगे हैं उन पर सद्भावनापूर्वक विचार करेगा और उसको शीघ्र निराकरण किया जाएगा। उज्जैन मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जनवरी में लगातार मोर्चा के पदाधिकारी प्रदर्शन करेंगे और अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फरवरी से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे मोर्चा पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर एक सभा भी हुई जिसे मोर्चा जिला अध्यक्ष देवेंद्र व्यास ने संबोधित किया। देवेंद्र व्यास ने कहा कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसके अधिकारी और कर्मचारी बेहद निराशा में डूबे हुए हैं। इसकी उदासीनता का असर शासकीय कार्यों पर भी पड़ रहा है। सरकार के प्रति कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और हिमाचल जैसी स्थिति यहाँ भी दोहराई जा सकती है। आइए देवेंद्र व्यास को सुनते हैं और उनकी मांगों के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के 40 से अधिक
मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनवरी माह में तीन बार शासन का ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करेंगे। उसी कड़ी में आज प्रथम चरण में हम लोग मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। द्वितीय चरण में हम 20 तारीख को उज्जैन में सभी संभागीय मुख्यालयों पर प्रदेश में धरना देंगे, धरना देकर ज्ञापन देकर पुनः ध्यान आकृष्ट करेंगे। और अंतिम कड़ी में हम लोग 29 जनवरी रविवार को प्रदेश में राजधानी भोपाल में एकत्रित होकर सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। और इसके बाद भी अगर मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की वाजिब मांगों को नहीं माना तो हम फरवरी माह में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाकर पूरे प्रदेश के कार्यालय ऑफिस अस्पताल बंद करेंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। बिजली बिल नहीं चुकाने वाले 24 लोगों को कंपनी ने पैदल कर दिया है। कंपनी ने इन लोगों की बाइकें जब्त कर ली है। विद्युत वितरण कंपनी के पश्चिम शहर संभाग ने बकाया राशि वसूलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में 1713 बकायेदारों को कुर्की वारंट जारी किए गए हैं और इनमें से 518 उपभोक्ताओं से 123 लाख रुपए की वसूली की गई है। दो महीने से चल रही कार्रवाई के दौरान 132 बकायेदारों के सामान की कुर्की की गई। इसमें 14 नग फ्रिज, 23 टीवी, 8 सोफा सेट, 24 बाइक, 22 वॉशिंग मशीन, 17 कूलर और 43 अन्य घरेलू उपकरण जब्त किए गए हैं। कुर्क सामान की अनुमानित लागत 65 लाख रुपए है। बकायेदार को बिजली बिल जमा करने पर उसकी संपत्ति वापस लौटाई जा रही है। नए साल की शुरुआत से ही अपने तल्ख तेवर दिखा रही सर्दी का सितम अभी और जारी रहेगा। शुक्रवार को दिन और रात के तापमान में भले ही बढ़ोतरी दर्ज की गई हो, बावजूद इसके सर्द हवाओं के कारण शहरवासी दिन भर कपकपाते रहे। गर्म कपड़ों में लिपटे होने के बावजूद भी उन्हें राहत नहीं मिली। शुक्रवार सुबह आसमान से बादल छटे तो धूप खिली, लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सर्द हवा के आगे सूरज की तपन भी फीकी रही। शाम को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। हालांकि दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के चलते मामूली राहत जरूर मिली। गुरुवार को अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री था, जो शुक्रवार को बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री से बढ़कर 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग भोपाल के अनुसार 7 जनवरी से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है। इससे मैदानी इलाकों में भी तापमान और लुढ़क सकता है, यानी अभी कड़कड़ाती सर्दी का दौर और कुछ दिन बना रह सकता है। प्रशासन ने एक बार फिर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने माफिया के कब्जे से बामोरा और रत्नाखेड़ी की 8.5 हेक्टेयर जमीन मुक्त करा ली है। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 1,24,00,000 रुपए है। उज्जैन तहसील के बामोरा एवं रत्नाखेड़ी में शुक्रवार को नायब तहसीलदार अनिल मोरे के नेतृत्व में गए अमले ने 8.5 हेक्टेयर सरकारी जमीन मुक्त कराई। इसकी कीमत 1,24,00,000 रुपए आकी गई है। बामोरा में शकील नामक व्यक्ति 8 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था और इस पर फसल बो रखी थी। इसी तरह रत्नाखेड़ी में गौशाला की लगभग 3 बीघा जमीन पर इमरान खान नामक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। दोनों जगह जमीन पर प्रशासन ने कब्जा ले लिया है। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।